पेज नंबर 83 एयर हैज मास मतलब कि हवा में द्रव्यमान। एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं इन्फ्लेटेड टू बैलून ऑफ द सेम साइज। ठीक है, हमने क्या करना है, एक एक करके दो हमने दो बैलून ठीक है स्ट्रिंग के बीच में ठीक है एक स्ट्रिंग का टुकड़ा हमने बांध देना है, उसके चारों ओर हमने एक बैलून रख लेते हैं दोनों साइड में। ठीक है, टाई ए पीस ऑफ ए स्ट्रिंग इन द मिडल ऑफ ए स्टिक। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, द टाई बोथ द बैलून्स टू द एंड ऑफ ए स्टिक। अब है ना एंड जो हमारे ठीक है स्टिक के एंड में हमें दो बैलून रख देने हैं। ठीक है, बैलेंस द स्टिक बाय शिफ्टिंग द पोजिशन ऑफ द बैलून। ठीक है, आप हमें देख लिया है ठीक है, हमें बैलेंस बनाना है। व्हेन द स्टिक इज बैलेंस द मास ऑफ द बोथ द एंड ऑफ द स्टिक इज इक्वल। जब हमने बैलेंस बना लिया तो हमने क्या दे, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, नाउ टेक ए नीडल और पिन एंड प्रिक वन ऑफ द बैलून। अब हमने क्या, बैलेंस बनाने के बाद एक बैलून को हमको प्रिक करना है, फोड़ देना है। ठीक है, एयर जो स्पेस होता है ठीक है फ्रॉम द बैलून, एयर स्केप फ्रॉम द बैलून, एयर जो है बाहर निकल जाती है वाले बैलून से। द स्टिक टिल्ट टूवर्ड्स द साइड ऑफ द एयर फिल्टेड बैलून, है ना, जो होती है जिसमें हवा भरी है वो उस साइड को वो झुक जाता है। दिस हैपन बिकॉज द इन्फ्लेट बैलून हैज एयर इन इट। इसे क्या पता चलता है कि इन्फ्लेटेड बैलून में एयर है। वेयर इज द पंचर्ड बैलून हैज नथिंग, जबकि जो हमने फोड़ दिया बैलून है ठीक है उसमें एयर अब नहीं है। दे शो दैट एयर हैज मास, हमें यह दर्शाता है कि क्या कि हवा में द्रव्यमान होता है। ओके, नाउ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब हम दूसरी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग समझते हैं ठीक है, वायु निकास दबाव। वी नो दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, हम जानते हैं कि हवा में क्या होता है ठीक है, हवा क्या करती है स्पेस, है ना, ऑक्यूपाई स्पेस करती है और उसमें द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मास एक्सर्ट प्रेशर, कुछ भी कि बड़े पैमाने पर दबाव है ठीक है। सो द एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक एयर। अब ये बताता है ठीक है, ये क्या बताते हैं, बड़े पैमाने पर दबाव है तो वायु भी दबाव को नियंत्रित करती है ठीक है। वायु द्वारा उत्सर्जित दबाव को क्या कहा जाता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक है, जिसे हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। अब हम एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। अब हमने लेना है, टेक ए ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विथ वाटर अप टू इट्स ब्रिम। अब ये बोल रहा है कि हमें क्या लिखना है, एक ग्लास लेना है ठीक है, इसे पानी से भरना है। मेक श्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स इनसाइड द ग्लास। आप क्या देखेंगे ठीक है, इसके ऊपर यह सुनिश्चित कर लें कि इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए ठीक है, हवा ना हो। प्लेस ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास। अब यहाँ पे हमने सेकंड में देखिए, हमने क्या लेना है, एक कार्डबोर्ड लेना है। अब हमने इसके ऊपर हमने इसको रख देना है ठीक है, कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा। होल्ड द कार्डबोर्ड टाइटली विथ वन हार्ड हैंड एंड टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन वेरी क्विकली। अब हमने क्या करना है, कार्डबोर्ड को एक हाथ से कस के पकड़ के रखना है ठीक है, और ग्लास को एकदम से जल्दी से हमने उल्टा कर देना है। ओके, अभी बोलते हैं रिमूव योर हैंड जेंटली फ्रॉम द कार्डबोर्ड, ये हटाने के लिए बोल रहा है कार्डबोर्ड से अपना हाथ। यू सी दैट द कार्डबोर्ड स्टे इन इट्स प्लेस। अब आप क्या देखोगे ठीक है, जब हम कार्डबोर्ड से अपना हाथ हटा लेते हैं तो आप क्या देखोगे कि कार्डबोर्ड अपनी ही जगह पर है, द वॉटर डज नॉट फॉल, और तो पानी जो है वो नहीं गिर रहा है ठीक है। तो व्हाट कीप द कार्डबोर्ड पीस स्टक टू द ग्लास। अभी क्या कार्डबोर्ड का टुकड़ा ग्लास से चिपक रखा है, इट इज द प्रेशर ऑफ एयर, ये क्या है, यह हवा का दबाव है। द एयर आउटसाइड द कार्डबोर्ड पीस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कार्डबोर्ड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग। दे शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हवा के बाहर जो कार्डबोर्ड का जो टुकड़ा जो
कार्डबोर्ड पर सभी दिशाओं पर क्या रहेगा, समान रूप से वो हवा का दबाव बना के रख रहा है, ठीक है, दबाव डाल रहा है और इसे गिरने से भी रोक रहा है। इससे पता चलता है कि हवा में क्या होती है, दबाव बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स नाउ वी विल फोर्थ पॉइंट, एयर कैन बी कंप्रेस्ड, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, हवा का संकुचन जो होता है, एयर कैन बी कंप्रेस्ड एंड पुश्ड इनटू स्मॉल स्पेसेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इन द एयर आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। हवा को संकुचित और छोटे स्थानों में धकेला जा सकता है क्योंकि हवा में गैसों के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, ठीक है। तो हवा गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाती है। व्हेन एयर इज वार्म इट एक्सपेंड्स एंड टेक्स अप मोर स्पेस। अब ये बोल रहा है कि जो जब हवा गर्म होती है तो यह फैल जाती है और अधिक स्थान भी लेती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन एयर इज कूल्ड इट श्रिंक एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस। अब ये बोल रहा है कि जब हवा को ठंडा किया जाता है तो यह कम जगह लेती है, ठीक है, कम जगह घेरती है और कब्जा कर लेती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।